तो गाइस काफ़ी टाइम हो चुका था GTA 6 के बारे में बात किए हुए, और GTA 6 और GTA ऑनलाइन से रिलेटेड काफ़ी सारी नई लीक्स आई हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको अपडेट कर दूं। तो आज से लगभग 3-4 महीने पहले मार्क द मैक्सिकन नाम के बंदे ने रेडिट पर GTA 6 एंड GTA ऑनलाइन के अपडेट लिए थे। तो इसका जो टीममेट है वो रॉकस्टार गेम्स में काम करता है, और कंपनी ने इसे और इसके ऐसे 100 एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया, और इस चीज़ को लेके वो काफ़ी गुस्से में आ गया, और इसलिए उसने अपने दोस्त को ये सारी चीज़ें बता दी। और हाँ, इसने 3-4 महीने पहले ये भी कह दिया था कि GTA 5 PS5 पे आएगी, जो कि एकदम सही निकला। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इसकी बाकी की लीक्स भी सही हो सकती हैं, तो इसलिए ये आजकल फिर से वायरल हो गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे GTA ऑनलाइन की लीक्स के बारे में, एंड सेकेंडली बात करेंगे GTA 6 की, एंड थर्ड में मैं आप सभी को अपना ओपिनियन बताऊंगा कि भाई मुझे क्या लगता है। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आपको पता ही होगा कि रॉकस्टार इस साल GTA ऑनलाइन का सबसे बड़ा अपडेट लाने वाला है। क्या नहीं पता था? कोई नहीं यार, अब तो पता चल ही गया। तो इस अपडेट में एक बिल्कुल नई लोकेशन होगी और एक बिल्कुल नई हाइस्ट भी होगी। तो इस लीकर का ये मानना है कि वो सिटी लिबर्टी सिटी होगी, जिसे कि रॉकस्टार दोबारा से बना रहा है GTA 5 के ग्राफिक्स के हिसाब से। लिबर्टी सिटी आपको पता ही होगा, GTA 4 में जो सिटी है वो लिबर्टी सिटी है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिटी भी है। न्यूयॉर्क सिटी की बेसिकली ये पैरोडी है, एंड इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है, और साथ ही साथ निको बेलिक जो कि GTA 4 का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो भी छोटे रोल के लिए आ सकता है इस अपडेट में। और ये अपडेट इस साल के एंड तक में आ जाएगा। और इसने कहा कि इस साल के अगस्त में एक नया रेडियो स्टेशन आएगा, 2 नए वेपन्स आएंगे और 10 नए व्हीकल्स आएंगे, एंड साथ ही साथ एक नया मोड भी आएगा जिसका नाम है कॉप्स एंड क्रूप्स। और ये जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग है ये भी कम्प्लीट हो जाएगी। यह 7 साल से इसका इंतज़ार कर रही थी कि बिल्डिंग कब बनेगी कब बनेगी, अब जाके फाइनली ये बिल्डिंग बनी जाएगी। तो देखना रहेगा यार कि इसका इंटीरियर ये लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो अब बात करते हैं GTA 6 की, तो उस बंदे का जो रूममेट था वो एक जूनियर प्रोग्रामर था, ना कि कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉय। तो वो गेम के बिल्कुल छोटे से सेक्शन पे काम कर रहा था, और उसके हिसाब से GTA 6 वाइस सिटी में सेट होगी, और गेम का वेदर NPCs को भी इफेक्ट करेगा, जैसे किसी भी राह चलते इंसान पे बिजली गिर जाना या फिर स्टॉर्म के साथ हवा में उड़ जाना। तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मेरे इस वीडियो में जो बोल रखा था कि मतलब नेचुरल डिजास्टर के बारे में, तो उस चीज़ को जो है इन्होंने देखा है एंड इम्प्रूव भी किया है गेम में। तो यार जान के अच्छा लगा कि रॉकस्टार हमारी बात भी सुन रहा है। और बात करें इसकी अनाउंसमेंट की, तो वो 2021 में यानी कि नेक्स्ट ईयर होगी। यार ये जब साल शुरू हुआ था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था कि इस साल तो GTA 6 की अनाउंसमेंट हो ही जाएगी, पर इसको अब नेक्स्ट ईयर टाल दिया गया है इस लॉकडाउन की वजह से भाई। और इसने इसकी रिलीज डेट तो नहीं बताई, पर जेसन शेयर और भी काफ़ी सारे ट्रस्टेड लीकर्स का मानना है कि ये गेम 2023 तक आएगी। अब मैं बात करता हूँ अपने ओपिनियन के बारे में कि भाई मेरे को क्या लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाई सिटी के बारे में। तो यार अब इतनी सारी लीक्स में फैंस ने ये सुन लिया है कि GTA 6 में वाई सिटी आएगी, GTA 6 में वाई सिटी आएगी, तो अब फैंस ने जो है काफ़ी ज़्यादा होप रख लिया है रॉकस्टार से कि वो वाई सिटी को वापस से लाएँ GTA 6 में। एंड अगर वो ऐसा करते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा फैंस को, एंड वो ऐसा ना करे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली है। एंड PS5 के इवेंट के बाद तो उन्हें वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ी रही हैं। तो अगर वो पहले GTA 6 में वाई सिटी भी नहीं भी ला रहे थे ना, तो अब तो वो लाइक मजबूरी हो चुके हैं कि पहले नहीं भी ला रहे थे, अब उन्हें लानी ही पड़ेगी, क्योंकि फैंस की भाई बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इस पे। तो मैं 99% श्योर होके कह सकता हूँ कि GTA 6 में वाई सिटी होगी। हाँ वो 1% एक्सेप्शन के लिए है भाई। पर बात करें लिबर्टी सिटी और निको बेलिक के बारे में, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि क्या पुराने कंसोल्स इन्हें संभाल पाएंगे, क्योंकि अगर ये अपडेट आता है तो कम से कम 20 GB तक का तो हो गई, और गेम का साइज़ तो पहले से ही काफ़ी बड़ा है। और बात करें निको की, तो निको के जो वॉइस एक्टर हैं माइकल हॉलिक, उनकी तो रॉकस्टार कंपनी से बनती ही नहीं है, तो क्या वो फिर से उनके साथ काम करने आएंगे। और बात करें कॉप्स एंड क्रूप्स मोड की, तो उसके लिए स्टार पिछले काफ़ी टाइम से आ रही हैं, अब तो फैंस ने होप ही छोड़ दिया इनसे। अब खैर ये सब चीज़ें तो आने वाले कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा, पर सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार रहेगा वो GTA 6 का होगा, क्योंकि अगर ये सारी लीक सही हो जाती हैं तो GTA 6 की जितनी भी लीक्स है ना, वो सारी भी सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई ये सारी लीक सही निकले यार। वैसे आपको क्या लगता है इनके बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना हो तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके कर लेना फॉलो। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।